बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को चलते हैं जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लिया फूड ग्रेन्स इंस्पेक्टर का, 12वां ग्रेड एंड फूड डिपार्टमेंट 2023 में ये पेपर हुआ। क्वेश्चन में समझिए क्वेश्चन को क्या कहता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चंस करूंगा, एक ये एंड सेकंड वाला ये इसी पेपर के दोनों सवाल हैं, ठीक है, हम ये करेंगे। तो पहले सवाल को समझते, वो कहता है कि जी स्केयर रूट टू माइनस वन ओवर स्केयर रूट टू होल स्केयर ये कितने के बराबर होगा। ये चार जवाब देता है, हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रख दिया, जिसमें आपको 2020, 21, 22 एंड 23 पूरे पूरे साल के कम्पिटेटिव एग्जाम मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। हमें उसने क्या दे दिया जी, ये टू माइनस वन ओवर स्केयर रूट टू होल स्केयर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम फार्मूला, ये एलसीएम ले लेंगे, ये टू आ जाएगा एंड इधर ये वन, ये सेम इसी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम इसका स्केयर कर देंगे माइनस वन, वैसे होल स्केयर। इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्केयर रूट एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू माइनस वन ओवर स्केयर रूट टू एंड होल स्केयर टू। दो माइनस वन ये हो जाएगा जी वन ओवर स्केयर रूट टू होल स्केयर, एंड स्केयर वन स्केयर का वन ही रहता है, एंड जब ये टू होल स्केयर का स्केयर, ये स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा जी टू। ये हमारा राइट आंसर है, वन ओवर टू। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जी थ्री, ये 64 स्केयर रूट एंड थ्री क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक है ना, इसको मैं थ्री क्यूब रूट नहीं, ये क्यूब रूट है एंड ये स्केयर रूट है, 64 प्लस थ्री, ये थ्री इनसे बाहर है, इसमें नहीं है, ये चार जवाब देता है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो थ्री क्यूब रूट एंड 64 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं आठ स्केयर प्लस थ्री। अब गौर कीजिए, ये स्केयर रूट एंड ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, थ्री स्केयर रूट एंड एट प्लस थ्री। अब एट को हम इस तरह लिखें कि इसकी जो फॉर्म है ऊपर क्यूब रूट में आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास क्यूब है, तो इधर भी इसकी ऊपर जो पावर है वो क्यूब में आए, तो ये निकालने के लिए हम इसका जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे लेंगे, आठ दो से करेंगे, दो चार आठ, दो तीन छः, दो दुनी चार एंड दो एकम दो, तो ये कितने आ गया, एक दो तीन, यानी कि दो की पावर तीन अगर हम लगा दें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, टू की पावर थ्री प्लस थ्री, ठीक है। अब एक आपको रूल बता दूं कि अगर हमारे पास मैथ में इस तरह हो, किसी भी नंबर का स्केयर रूट हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर इसकी जगह हम यही रूल अप्लाएंगे, ये देखें टू की क्यूब एंड ये थ्री जो है थ्री क्यूब रूट, ये ऐसे हो जाएगा जैसे हमने ये किया प्लस थ्री वैसे। अब ये थ्री एंड ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो टू प्लस थ्री इक्वल हो जाएगा जी फाइव के, फाइव इज राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।